केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि, आज भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए चलते हैं आज की किसी मुख्य खबर की ओर। विधवा पेंशन, विकलांगता पेंशन और राशन नहीं मिलने के कारण साथ ही साथ टूटे फूटे आवास में रहने को मजबूर नंदेव मोची और उनका परिवार। बताते चले कि बरवाड़ी मुख्यालय से कुछ ही दूरी पर स्थित मंगरा पंचायत के मुर्गीडी निवासी नंदेव मोची, जो विकलांग है, और उनकी पत्नी सुरती देवी काफी वृद्ध हो चुके हैं, जहां दोनों लोगों को सरकार की ओर से चलाई जा रही महत्वपूर्ण योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा। वहीं जब इस मामले की जानकारी मनिका विधानसभा क्षेत्र के यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष सह प्रदेश इंटक सचिव प्रिंस राज गुप्ता को ग्रामीणों के द्वारा मिली जानकारी के बाद उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उन्हें हर संभव मदद का दिलासा दिलाया। वहीं उन्होंने कहा कि इसकी जानकारी उच्च अधिकारियों को दी जाएगी। लगातार ऐसे कई मामले आ रहे हैं जहां योग्य लोगों को यह सब योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है, जो लोग योग्य नहीं हैं उन्हें इन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिसे लेकर यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि अधिकारियों के ऐसे मनमाने रवैये के कारण सूबे के विकासशील सरकार की बदनामी हो रही है। हमारी कोशिश रहेगी कि हर वैसे तबके के लोगों को सरकारी मदद और सहायता उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि सरकार की ओर से चलाई जा रही महत्वपूर्ण योजना के लाभ उन परिवारों को मिल सके और उनका कुछ सहयोग हो पाए, जिससे वह अपना जीवन यापन कर सके। वहीं मौके पर शुभम दुबे, गौतम कुमार, यशपाल सिंह समेत आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। कुमार सावन के साथ बद्री प्रसाद की रिपोर्ट। घर हजूरी सब गिरत व घर, बूढ़ा बूढ़ी कहाँ रहा? कौन डीलर है? डीलर अशोक, अशोक डीलर है। पहले पहले किसको दिए है कागज? ये पिंटू के। पिंटू के नहीं किया? नहीं कुछ नहीं किया। आपका पैर अब मथी है ना? अपाहिज है अपना? अपाहिज है। पैर से काम डंडे से चलते हैं? डंडा से। और आप चल नहीं पाते हैं? नहीं, ये पता ना, हम तैयार एकदम बैठूगा, कुछ नहीं, हम तैयार बैठूगा एकदम बैठे भी गुड़ करेंगे। कब से नहीं दे रहे आप लोग राशन? ये तीसरा महीना में देले भाई, अभी कहा यहाँ दे पैर अच्छा कोई बात नहीं।